सो हेलो एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मिस बहन ममाज़ ब्लॉग। तो गाइज, नमाज़ हो चुकी है और नमाज़ के लिए बहुत हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ नमाज़ के लिए, क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से फटाफट आता हूँ तो बहुत लेट आता हूँ। तो नमाज़ हो चुकी है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज बारिश नहीं हुई है, और सब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो आज बारिश नहीं हुई और बहुत ही ताज़ा धूप है। और साला ये है ना, सबसे बड़ा लोचा यही है गाड़ी का, जब बारिश होती है ना तो चाबी मुड़ती नहीं है। तो चलो गाइस, चलते हैं अभी अम्मी के इधर। तो अम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो चलो अम्मी से पहले मिल लेते हैं और क्या दुआ ले लेते हैं। तो अम्मी की तबीयत ख़राब है तो पहले अम्मी को देखते हैं कि क्या हो गया। अम्मी कल से मेरे को फ़ोन करते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अम्मी मैं आता हूँ, तो अम्मी को पहले मिल लेते हैं। सो गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ और अम्मी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी मैंने अम्मी को पूछा कि अम्मी क्या हो गया आपकी तबीयत को, अम्मी क्या हो गया आपकी तबीयत को अम्मी? अरे मेरे सर्दी जुकाम हो गया। सर्दी जुकाम भी वायरल है, नॉर्मल है। हाँ, टेंशन मत लो। दो दिन वही हाँ। कुछ बनाए, खाना बनाए कि नहीं? बना है, देख लो। तो गाइस, अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मैं खाना खा लेता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा क्या मालूम, मैं नमाज पढ़ के आता ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो देख लेता हूँ क्या बना हुआ है। तो इसके अंदर है क्या, इसके अंदर चावल है, इसके अंदर क्या है, ये दाल है। वाओ, तो चलो गाइस दाल चावल खाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो अम्मी की तबीयत ख़राब है तो अम्मी को पीकर परेशान करे हुए खुद अपने हाथ से निकालते हैं और खुद खाते हैं। गाइस, ये है खट्टी मीठी चटनी और ये बहुत ही मस्त चटनी बनाते हैं अम्मी, और ये मैं इसको एकदम भर भर के खाता हूँ। तो ये कैरी से बनती है, कच्चे कैरी से। तो गाइस प्लीज़, आपको ये चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बहुत ही स्वादिष्ट है दाल चावल के साथ। हाँ, मुँह में पानी आ गया। दाल चावल के साथ इसको खाओगे ना मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं अम्मी को एक दिन बोलूँगा कि आप लोग के लिए चटनी बनाए और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो पहले मैं खा लेता हूँ, तुम लोग थोड़ा। सो गाइस, जैसे ही मैं मम्मी के घर से निकला हूँ वैसे मेरे को मिसबा का फ़ोन आया कि आप किधर हो, जल्दी घर पे आओ। तो मैं बोला अरे मैं आ रहा हूँ मम्मी के घर खाना खा रहा। तो उस मिसबा मेरे को बोली कि मैं दाल गोश बनाई हूँ। ओ माय गॉड, मैं जैसे ही सुना कि मिसबा दाल गोश बनाई है मैं तो फिर गया। मैं चल कोई बात नहीं, अम्मी के घर मैंने खाना खा लिया। तो मिसबा बोलती मेरे को कि पाव लेके आना, भाई मेरे को 6 पाव दो ना। तो मैं पाव लेने आया हूँ, तो अभी जाके थोड़ी सी गिटार सुनूंगा, फिर जाके थोड़ा दाल गोश खाऊंगा, क्योंकि दाल गोश होता है। सो गाइस, फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और आने के बाद मैं 10 से 15 मिनट हो गया मुझे बैठ के। तो मिसबा ने मेरे को एक बार भी मेरे से बात नहीं किया, क्योंकि मैं गर्मी के घर से खाना खा के आया और मिसबा इतनी मेहनत करी थी और मिसबा सोची थी कि मैं मम्मा को सरप्राइज दूंगी कि आज दाल गोश बनाए, जुम्मा की नमाज पढ़ के आएंगे, मैं मम्मा को सरप्राइज दूंगी। तो यहाँ देखो कैसा खा रही है, पाव लेके आया। तो तू खा क्यों रही है, मेरे को कौन देगा? मैं खाऊंगी पहले मैं खाऊंगी, पाव मैं लेके आया हूँ। मैं तो तुमको भी बोल दी ना, फिर भी तुम बोले मैं खा लिया, अब मैं क्या करूँ बताओ। तू कौन सी खुशी में दाल गोश बनाई होता? बकरीद की खुशी में। तो गाइस, बकरा ईद की खुशी में दाल गोश बनाए। तो ये गोश्त, गोश्त तो खाती नहीं हो तुम, पहले बताओ, गोश्त तो खाती नहीं हो? हाँ, मैं दाल तो खा लेती हूँ। चलो रुको एक मिनट, गाइस। वाह, अच्छा बना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस। बाहर से मंगाई, घर से मंगाई है? घर से मंगाई, घर पे बनाई है। क्या बात कर रही है, हम तो घर पे बनाए गए दाल गोश। हाँ भाई, कहाँ है बता जा रहा दाल गोश? आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तो चावल है गरम है। ओ वाह, तो गाइस फाइनली दाल गोश बन गया है मेरे घर पे। तो कितने महीनों से देखो समझा रहा कि दाल गोश बना, बनाने आता है तो बनाती क्यों नहीं? आता है। हाँ, तो बनाती क्यों? बदला लेगा तेरा फैजल। तो गाइस, सबका बदला लेगा तेरा माँ। तो गाइस चलो, दाल गोश का थोड़ा सा चस्का ले लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस, घर पे बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मोमोज खाने, मैं, अमतुर और अरबाज। और गाइस, हमारे साथ छोटी सी परी भी आई है, परा या परी या परा जो भी बोल सकते हो, परी दिख रही है अभी तो। और ये इतनी क्यूट मोमोज की शॉप है। और आए
और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमको अच्छा लगता है यहाँ का मोमोज? कौन सा फेवरेट है तुम्हारा? यस, तो सब मतलब यहाँ पर हम लोगों को चिकन चीज़ कुरकुरे मोमोज ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेकिन आज अरबाज खाएगा मोमोज और मैं क्या खा रही हूँ? तुम खा रहे हो नूडल्स विदाउट एग वाला। यस, तो गाइस मैं हमेशा चाइनीज विदाउट एग ही खाती हूँ, तो मैंने मंगा लिया है नूडल्स विदाउट एग और फटाफट देखते हैं कैसा टेस्ट है और फिर आपको भी बताती हूँ। तो गाइस हमारा कुरकुरे मोमोज आ गया है और अरबाज ने टेस्ट भी कर लिया। कैसे अरबाज? मजा आ गई। और ये देखो माँ लगी भी अपना खिलौना उठाने में। तो चलो गाइस टेस्ट करते हैं। तो गाइस मजा आ गई, बहुत अच्छा मोमोज है। तो गाइस हम लोग खा पी कर आ चुके हैं और आज मेरे साथ हो गया था एक हादसा। हादसा ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी थी और हवा जब चल रही थी तो यहाँ से ये दोनों इत्र की बोतल में यहाँ बैठी थी तो मेरे सर पर गिर गई थी क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था मेरा। और गाइस टेम्बुक आ गया है और मम्मा बस ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे और दरवाज़ा खोले थे और ऐसा हो गया था और मैं बहुत रोई और मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रो रही थी और मम्मा निकल रहे थे। और आज अमतूर और अरबाज है तो मैंने बोला अरबाज अमतूर को कि मुझे मम्मा का रिएक्शन लेना है, तो जब मम्मा आएंगे घर पे और जैसे ही मैं कैमरा चालू करेंगी नॉर्मल व्लॉगिंग करने के लिए तो तुम लोग बोलना मिसबा को चक्कर आ गई थी और मिसबा गिर गई थी, तो मुझे देखना है कि मम्मा का रिएक्शन क्या होता है मेरे गिरने पर। तो अरबाज बेहोश कितना बेकार है, देखा यहाँ पर इसको कितनी हंसी आ रही है। हाँ किसको कॉल कर रहे हो? सब दिख रहा हम लोग को कैमरा में और ये इतना कमीना है, देखो इसको कितनी हंसी आ रही है। मिसबा चक्कर आकर गिर गई थी बोलना, एक टाइल्स टूट गई तुम्हारी कोने की बोलना और अमतुर भी यहाँ पर बैठी हुई, अमतुर तुम भी बोलना। चलो बस अभी मम्मा का आने का टाइम ही हो रहा है अरबाज, रेडी रहना, मैं यहाँ पर पढ़ जाती हूँ, तुम लोग बोल देना। ठीक है। चलो सही। क्या हुआ? अरे मैं कह रहा तुम जो गए ना शायद मेरे पास चक्कर आके इधर पे ऐसे पड़ गए। अच्छा है कि ये अंदर थी उधर चक्कर आ गया लग गया ना उसको जोर से। हां तो पड़ गए इधर आके इधर आके तो चक्कर आ गया। अच्छा वो बम भी किचन से भाग के आके पकड़ लिया, जोर का पड़ा था ना चक्कर आ गया। कैसे लगा ना? मैं रोऊंगी क्यों? इतना रोए थे। इसको बाहर रखो, मैं पहले बोला तुम लोग बाहर का अंदर घुसा डालते हो। बाथरूम में रखो ना। अरे सूखेगा नहीं तो फिर पूरा बाथरूम में सूखता है। अरे अंदर नहीं सूखता है, वहाँ बालकनी में रखो सूख जाएगा। रख दो इधर, मैं रख दूंगी। कुछ पड़ी नहीं है कसम से, इतना मेरे को चक्कर आ गई, अपने आप की पड़ी है बस सूंघना टूंघना। कैसा ही चक्कर है? वो जो सरपट टेम्बू लगा था ना, हाँ टेम्बू के उसके वजह से एकदम भाई नहीं पड़ा ना सीधा। हाँ। दो दो गिरी टक टक, दो बॉटल पीछे गिरी थी। हाँ। वो तो अच्छा है सिल्वर बटन नहीं गिरा था, सर ही पड़ा था। सिल्वर बटन गोल्ड आया था। रेड गोल्ड मिलता अपना तुमको, रेड मेडल मिलता। मम्मा ऐसे ही करते हैं। कैसा? कुछ पड़ी नहीं है गाइस। मम्मा ब्रो तुमको हमेशा उधर पे तुमको, लेकिन नेक्स्ट टाइम सर पे तुम बैठा मत करो। हां समझ रहे, इतना रिस्की है मालिक, वो जगह को तुम बॉयकॉट कर। बहुत दर्द हो रहा है अभी भी हो रहा है वो जगह को, दर्द हो रहा है जान। हां समझ रहे, वो तब से ऐसे ही पड़े और हम लोग ऐसे ही बैठे, उनको छोड़ के हम लोग गए भी नहीं। ये जगह को, मेरी बात सुनो, ये जगह को बॉयकॉट कर दो, इधर बैठा जाओ। तुम्हारी वजह से तुम दरवाजा खुला रख दो भाई, ऊपर से बोलते आवाज भी नहीं आ रही वहां से। मैं इसको अभी निकाल के ना इधर रखने वाला हूँ। अरे इसकी बैंड की मजे मजे इधर लगा दे, टकला में बॉडी आ गई, बॉडी आ गई। टम्बूड़ा ही नहीं आया। अरे कैसा टम्बूड़ा नहीं आया, तुम टम्बूड़ा देख ही नहीं रही, यहाँ देखो डेंट आ गए, टम्बूड़ा नहीं आया।
अरे वो तेरा सर ही खड़बुड़ा है। अच्छा अच्छा बेटा, मेरा सर ही खड़बुड़ा है, चक्कर आ गई मेरे को, मर रही हूँ मैं। चक्कर है तो इसको कैसा चक्कर आई रहेगी, ऐसी आई रहेगी वो, मैं बताता हूँ, है ना, ऐसी आई रहेगी ना। हाँ वैसे दीवार पकड़ ली है। हम तू बात दे रही थी, हम तू फटाक से किचन से भाग के आई, चक्कर ने पकड़ ली थी, यहाँ बिठाई, मैं बोला वहां मत बिठाओ, यहाँ बिठाओ भाई, और ज्यादा नहीं करने का चक्कर है।